अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्तुगरुल डिवाइन सेशन में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 1 के एक बड़े विलन कुर्तोगलू के बारे में बताएंगे कि वो कौन था और आखिरकार उसका अंजाम कैसे हुआ। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर लाजमी क्लिक कर दें। दोस्तों, कुर्तोगलू काई कबीले के सीनियर लोगों में से एक होता है और वो सुलेमान शाह की जगह सरदार बनना चाहता है। हालांकि सुलेमान शाह कुर्तोगलू को अपना भाई मानते हैं, वो उनका सगा भाई तो नहीं होता, मगर तब भी सुलेमान शाह कुर्तोगलू के साथ भाइयों वाला सलूक करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कुर्तोगलू सुलेमान शाह को मारना चाहता है ताकि वो काई कबीले के तख्त पर कब्जा कर सके, और इसीलिए सलजान खातून के साथ मिलकर अर्तुगरुल को भी मारना चाहता है। मगर सलजान खातून बाद में मुआफी मांग लेती हैं और ये कुर्तोगलू पकड़ा जाता है, और यही कुर्तोगलू सलीबियों के साथ मिलकर काई कबीले को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। जब तुर्गुतू कबीले वापस लाया जाता है तो वो नशावर मशरूबात भी कुर्तोगलू ही तुर्गुत को पिलाया करता है ताकि तुर्गुत कभी ठीक न हो सके। इसके अलावा भी इस गद्दार ने काई कबीले को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, मगर आखिरकार जब ये पकड़ा गया तो सजाए आम देने के लिए इसे काई कबीले में लाया गया। मगर सुलेमान शाह अपने हाथों से इसे सजा ना दे सके क्योंकि वो इसे अपना भाई मानते थे, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी अर्तुगरुल को सौंपी। अर्तुगरुल गाजी ने सबके सामने अल्लाह अकबर की सदा लगाते हुए इस गद्दार का सर तन से जुदा कर दिया।